हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गगनदीप धावन फ्रॉम आम आदमी एकेडमी ऑन यूट्यूब। तो बेटा, आज हम लोग बात करेंगे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में भी मैंशनड है और एमीन्स वाले चैप्टर में भी जो है वो मैंशनड है। तो मैं आपको एकदम डिटेल में मैकेनिज्म के साथ जो है वो इस रिएक्शन को समझाऊंगा। इस रिएक्शन का जो नाम है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो ये है डाई। डाई का मतलब है यहां पे कुछ दो, टू। एजो, अगर मैं इसको थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट कर दूं तो एजोटाइजेशन रिएक्शन। तो डाई का मतलब है कि यहां पे दो कोई सेम तरह की चीजें प्रेजेंट है। बेटा, जो एजो ग्रुप होता है वो हमारे पास क्या होता है, जब भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हुई है और वो आगे फर्दर कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं पे भी अगर इस तरह का ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोल देते हैं डाई एजो ग्रुप। ठीक है, तो इस ग्रुप का फॉर्मेशन जो है वो हम इस डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन के थ्रू जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जानने के लिए पहले मैं आप लोगों को, जो बच्चे हैं यहाँ पे जुड़े हमारे साथ, उनको एमीन्स बता देता हूँ। एकदम बेसिक से आम आदमी की तरह मैं पढ़ाऊंगा। तो एमीन्स बेटा देखो क्या होते हैं, जब भी कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होता है, सिंगल कार्बन एक नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एमीन बोल देते हैं। एमीन कैसे बोल देते हैं, जैसे CH3NH2, ये एक एमीन है, CH3NH CH3, ये दूसरा जो है वो हमारे पास एमीन प्रेजेंट है। और एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, CH3CH3CH3, ये तीसरा एमीन है। थोड़ा सा फोकस करो, ये नाइट्रोजन सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां पे जो ये नाइट्रोजन है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द टू कार्बन। यहां पे जो ये नाइट्रोजन है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद व्हाट, थ्री कार्बन। तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन या फर्स्ट डिग्री एमीन भी बोल देते हैं, क्योंकि जहां पे नाइट्रोजन एक सिंगल कार्बन के साथ अटैच है वो हमारे पास कौन सा एमीन रहता है, हमारे पास ये रहता है प्राइमरी एमीन। जहां पे भी जो कार्बन है या जो नाइट्रोजन है वो दो कार्बन के साथ अटैच है तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी एमीन जो है वो बोल देते हैं। और जहां पे भी जो कार्बन है या नाइट्रोजन जो है, यहां पे देख लो आप सब लोग, मैंने अभी पहले बताया 1 2 3 तीन कार्बन से अटैच है तो इसको हम लोग थर्ड डिग्री या टर्शरी एमीन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन बेसिकली जिसमें हम लोग डायोटाइजेशन सॉल्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है सिर्फ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स के साथ, या ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स के साथ। प्राइम कंडीशन इस रिएक्शन की है कि यहां पे बेटा जो है वो NH2 ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे इवन वो इस तरीके से भी हो तो भी ये जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस करेगी। प्राइमरी एरोमेटिक, मैं यहां पे इसको मेंशन कर देता हूं सर्कल डाल के, जो है कि एक तो यहां पे हमारे पास ये एरोमेटिक है, दूसरा हम लोगों के पास इवन एलिफेटिक के लिए भी, लेकिन कंडीशन है प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी और टर्शरी का कोई काम नहीं है, सिर्फ प्राइमरी एमीन होना चाहिए, वो हमारी जो है यहाँ पे प्राइम कंडीशन है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो बन क्या रहा है। इसमें देखो, मैं एक मिनट ये साफ कर दूं फिर आपको समझाता हूं। तो बेटा यहां पे फोकस करो, इस रिएक्शन में हमने रिएजेंट को ध्यान से देखो, पहले हम लोग ले रहे हैं NaNO2, साथ में ले रहे हैं HCl, ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंडा सॉल्यूशन है। उसके अंदर हम लोगों ने क्या लिया, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन लिया। एरोमेटिक एमीन कौन सा होता है, जब भी
बेंजीन रिंग जो है वो आगे NH2 ग्रुप के साथ जुड़ा होता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एरोमेटिक एमीन जो है वो हम लोग इसको बोल देते हैं। तो एरोमेटिक अमीन के साथ मैं ये रिएक्शन आपको करके बता रहा हूँ। तो एरोमेटिक अमीन जो हमने लिया बेटा, उसका देखो NaNO2 डाला उसके अंदर, तो हुआ क्या, HX की प्रेजेंस में N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव ग्रुप जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे N2 पॉजिटिव ग्रुप आ गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक साथ जुड़े हुए हैं, तो डाइएजोनियम सॉल्ट है ये, हेलाइड मतलब ये जो यहाँ से हेलोजन जुड़ा हुआ था ये इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे साथ में बेंजीन का ग्रुप लगा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने इसको बोल दिया। ठीक है, आई होप आपको प्रोडक्ट जो है वो क्या बन रहा है वो समझ में आ गया। अब इस रिएक्शन को आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझा देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम लोग मैकेनिज्म से समझेंगे बेटा तो बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं चीजें, तो ये उन लोगों के लिए है जो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को करना चाह रहे हैं, बाकी जो लोग नहीं करना चाह रहे वो बस इतना ही जान लो। तो आगे मैं बता रहा हूं इसका मैकेनिज्म, ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का यहाँ पे हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप था वो ग्रुप था HNO2 का, हम लोगों ने NaCl के साथ, या हम लोग इसको कई बार NaNO2 बोल देते हैं, किसके साथ, HCl के साथ। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, मैं इस वे में नहीं बता रहा आपको, ठीक है। और ये दोनों ऐड करते हैं, प्लस इन दोनों के फॉर्मेशन से मतलब इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो क्या है, HNO2 है, मतलब Na जो है वो इधर इससे कंबाइन करने की कोशिश करता है और ये जो है वो इससे कंबाइन करने की कोशिश करता है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, HNO2 जो है वो फॉर्म होता है। अगर मैं HNO2 के स्ट्रक्चर में बेटा घुसूं थोड़ा सा, तो ध्यान देना, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। अब देखो क्योंकि सॉल्यूशन में HCl प्रेजेंट था, तो इसका मतलब एक चीज पक्की है कि अगर सॉल्यूशन के अंदर एसिड प्रेजेंट है तो H पॉजिटिव की भाई कोई कमी नहीं होने वाली अपने को। अब अगर मैं थोड़ा सा इस पे गौर करूं तो H पॉजिटिव सॉल्यूशन में एकदम घूम रहा है और एकदम प्रोटोन है और स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है, तो उसको सबसे पहला लालच जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो देंगे। तो H पॉजिटिव क्या होगा, यहां पे अटैक करेगा, ठीक है। तो यहां पे जब अटैक करेगा तो देखो क्या फॉर्म कर रहा है वो, O डबल बॉन्ड N, यहां पे कोई पंगा नहीं हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और ये यहां हाइड्रोजन फॉर्म कर देगा। अब देखो H पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज था और भाई इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन से खींच लिया, तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से खींच लिया तो ये स्टेबल हो गया। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो मंडराने लग जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ये खतरे की घंटी है ऑक्सीजन के लिए। बाकी ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरा आप यहाँ पे एक चीज पे फोकस करो कि भाई ऑक्सीजन ने ये 1 2 3 तीन बॉन्ड बना दिए, तो यहाँ एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप जनरेट हो जाएगा यहां से। तो यहां से जो लिविंग ग्रुप जनरेट होगा बेटा वो वाटर जो है वो यहां से H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां से देखो वाटर जो है वो बाहर निकल गया और हमारे पास बचा क्या बेटा, ये हम लोगों के पास जो है वो बच गया। अब सोचने वाली बात है, ऑक्सीजन क्या करा, ऑक्सीजन ने यहां पे गुंडागर्दी दिखाई, ऑक्सीजन ने जब ऑक्सीजन भागने लगा यहां से तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे इसको छीन के भाग गया, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज था, एक तो अपना इलेक्ट्रॉन था ही, इसका छीन के वाटर बना के भाग गया यहां से, तो नाइट्रोजन को धोखा देके चला गया। अब नाइट्रोजन को धोखा देके चला गया तो नाइट्रोजन बेचारा अब पॉजिटिविटी में घूम रहा है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक आयन फॉर्म हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग आयन है ये। इस आयन का जो नाम है वो नाइट्रोसोनियम आयन है। क्या नाम है इस आयन का, नाइट्रो सोनियम आयन।
अब इस आयन की बेटा क्या खासियत है? इस आयन की ये खासियत है कि ये स्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। और नाइट्रोजन, अब सोचने वाली बात है किस चीज को ढूंढेगा नाइट्रोजन? ऑब्वियसली इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए यार, इसको इलेक्ट्रॉन दिलवाओ भाई, पॉजिटिव चार्ज है, हर चीज केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है, तो इसको नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज का बेटा जी जो सबसे अच्छा सोर्स इस टाइम पे जो सॉल्यूशन में नजर आ रहा है, जो रिएक्टेंट हम लोगों ने लिया, वो NH2 ग्रुप वाला जो रिएक्टेंट है, जो आगे फर्दर बेंजीन के साथ अटैच है। मैं यहां पे ना हाइड्रोजन अलग से मेंशन कर देता हूं, तो यहां पे देखो NH ऐसे बना देते हैं, एक H ऐसे बना देते हैं, तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। अब इसको नाइट्रोजन से होप है क्योंकि इसका अपने जैसा आदमी है, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, और वो होप करके इसके आस लेके जा रहा है कि भाई प्लीज जो तेरे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मुझे दे दे। तो नाइट्रोजन को तरस आ जाता है बेटा यहाँ पे, तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको यहाँ पे डोनेट कर रहा है। तो देखो यार, हम लोग नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड का फॉर्मेशन करने की सोच रहे थे डाइजोनियम के अंदर, क्योंकि डाई एजो ग्रुप के लिए अपने को नाइट्रोजन नाइट्रोजन को जोड़ना है। तो ये एकदम मोमेंट्री स्टेप है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, एकदम जैसे अवार्ड विनिंग स्टेप है कि भैया ये हुआ, जहां पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको बेटा यहां बना के बताता हूं। तो ये तो बेंजीन मैंने एज इट इज जो है वो यहां पे बना दिया, और इसके साथ यहां नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर्टिकुलर, मैं ना यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ये नाइट्रोजन भीखमंगी नाइट्रोजन थी, ये यहाँ पे जो येलो में मैंने भीखमंगी नाइट्रोजन को दे दिया, तो ये भीख मांगने वाली नाइट्रोजन जो थी उसने इलेक्ट्रॉन जो है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करके अब वो खुशी खुशी जो है जो है यहाँ पे बॉन्ड बना लिया इसके साथ जो है। तो ये तो यहाँ पे इस तरीके से बन गया। प्लस ये नाइट्रोजन के साथ कितने ग्रुप जो अटैच थे, वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे दो ग्रुप्स जो है वो अटैच थे। अब एक सोचने वाली बात ये है बेटा जी कि नाइट्रोजन अब यहाँ पे चार बॉन्ड बना के बैठा है, ये वाला नाइट्रोजन, ये तो भाई कभी होता ही नहीं है ना। और इसने आप देखो अपना लोन पेयर जब डोनेट किया, तो जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन दे रही है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करूं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे आएगा। अब भाई अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो हाइड्रोजन एक छोटा सा आदमी नजर आ रहा है, मेरे को चाहिए इलेक्ट्रॉन, मैं सबसे पहले छोटे वाले आदमी को पटक के बाहर मारूंगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बहुत छोटा आदमी है, इसको मैं आराम से संभाल लूंगा। तो इसको कहूंगा तू दफा हो जाए यहां से, और ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे के भाग जा। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन उसको दे के भागेगी, तो भैया जी देखो ये क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन ये बेचारी चलेगी उदास, अगले इलेक्ट्रॉन की तलाश में यहां से निकल गई, क्योंकि नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ जुड़ के इसको धोखा दे दिया। तो आगे देखो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भैया ये बना नाइट्रोजन, यहां बना हाइड्रोजन पहले था ही। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट हुआ तो इसने जो है वो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया इसके साथ, नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड क्या ऑक्सीजन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा नया बॉन्ड नहीं बना, क्योंकि नाइट्रोजन पे अब न्यूट्रल है और इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस आ चुका है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस क्यों आ चुका, क्योंकि ये भैया इसने छीन लिए इलेक्ट्रॉन, वो हाइड्रोजन बेचारी पॉजिटिव चार्ज के साथ जो घूम रही है उससे उसने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लिए, छीन लिए। तो आगे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ऐसा है बेटा कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्या होंगे, ये इधर ट्रांसफर होंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना। और ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा, तो इमेजिन कर लो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे ब्रेक करेगा। और ये जो बॉन्ड जब ब्रेक करेगा बेटा जी, तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ये यहां से इसको खींच लेगा। क्योंकि ना ये स्ट्रक्चर हमेशा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ये सिर्फ हमने एक प्लेनर फॉर्म में इसको बना रखा है, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या हुआ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां जंप किए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन के साथ जो है वो जाके जुड़ा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो ऑक्सीजन ने जो हाइड्रोजन अटैच था यहाँ पे येलो वाला मैंने हाईलाइट कर रखा है, उससे जो है
अटैच हो जाएगा। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका, अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना मेरे को कि ये पॉइंट जो है आपको क्लियर। उसके बाद आगे देखो बेटा जी, यहाँ पे ये बना हमारे पास बेंजीन था, उसके बाद यहाँ पे जो है नाइट्रोजन था, डबल बॉन्ड बन चुका है नाइट्रोजन के साथ आगे, और यहाँ पे क्या है OH ग्रुप जो है वो इस तरीके से आ चुका है। अब बेटा मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों को दिख गया होगा कि हम जो बना रहे हैं उसकी तरफ एकदम से बहुत पास आ चुके हैं। तो भाई ये जो हाइड्रोजन बेचारा छोड़ा था बहुत ढीठ है, तो इसको ये लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन जो है वो खींचूं, तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन सॉरी यहाँ आ जाता, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये भाई इस पे अटैक करता है क्योंकि ढूंढ तो रहा ही था बड़ी देर से, तो यहाँ पे फॉर्म अपने आप ही हो गया, इसका जुगाड़ हो गया। तो आगे देखो क्या हुआ, आगे हमारे पास जो है वो ये नाइट्रोजन था, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ था, और यहाँ पे जो है एच अटैच हो जाता है इस जगह पे। तो भाई अब ये हमारा फाइनली वाटर एज ए लीविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाएगा। जब वाटर यहां से लीव कर जाएगा बच्चा जी, तो क्या होगा देखो, ये बना यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ने उस ऑक्सीजन को बोला कि भैया नाइट्रोजन ने पहले मेरे को बहुत बुरे से धक्के मार के निकाला था, अब तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच के वापस ले आए, तो ऑक्सीजन भी ढीठ है, यहाँ से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगी और बेचारी नाइट्रोजन पॉजिटिविटी में रहेगी। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ग्रुप का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे हो गया, ठीक है। और कई बार क्या होता है यहाँ पे भी रेजोनेंस जो है वो प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे रेजोनेंस वाली प्राइम कंडीशन जो है वो मीट कर रही है। तो देखो ये क्या बना यहाँ पे हमारे पास, इस तरह से नाइट्रोजन पे इधर पॉजिटिव चार्ज आया, इधर बना ट्रिपल बॉन्ड और इधर बना N। तो ये हमारे पास डाई एजोनियम सॉल्ट का जो है वो फॉर्मेशन हो गया। अब हम कई बार इसको जो है वो इस तरीके से भी लिख देते हैं, एन टू पॉजिटिव। अब देखो सॉल्यूशन में ना शुरू में हम लोगों ने ये क्लोरीन के बारे में बात करी थी कि ये क्लोरीन नेगेटिव आयंस जो है वो भी प्रेजेंट है, तो भाई क्लोरीन भी देख रहा है कि भाई मुझे कुछ मिले, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये बेंजीन का एक डाई एजोनियम सॉल्ट जो है वो इस जगह पे फॉर्म हो जाता है। आई होप ये मैकेनिज्म जो है वो सबको क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म था ये, ठीक है। तो एक बार मैं ये सारी स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लो, ठीक है, और इसको नोट कर लो अपने पास, ठीक है। ये कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे देखें, बोर्ड्स वगैरह में ये सब चीजें नहीं आती हैं, बाकी हाँ कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जाननी है चीजें, तो ये मैंने सारा एक बार स्क्रीन स्क्रॉल कर दी, आप ये नोट कर लेना अपने पास। बाकी बेटा दूसरे कुछ पॉइंट्स भी हैं इस डाइजोनियम रिएक्शन के अंदर, तो ये N2 पॉजिटिव कैसे बना मैंने बता दिया। सेम बेटा जी ये मैंने पहले भी अभी डिस्कस किया कि प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स भी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पे HNO2 NaNO2 HCl रिएक्शन होती है, ये बनता है, और इसके अंदर अगर वाटर डालते हैं तो ROH N2 और HCl जो है वो बाहर निकल जाता है। ये प्राइमरी इसके अंदर जो है ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता, क्योंकि आप अगर एरोमेटिक वाले में देखो ना, तो एरोमेटिक वाले में कुछ रेजोनेंस प्रेजेंट है, रेजोनेंस प्रेजेंट होने की वजह से देखो रेजोनेंस कैसे प्रेजेंट है, ये जो डाइजोनियम ग्रुप है अब ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस कैसे करेगा भैया जी, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर ये अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे, रेजोनेंस होगा, स्टेबिलिटी होगी, लेकिन ये इस तरह की स्टेबिलिटी अपने को एलिफेटिक अमीन्स के अंदर देखने को नहीं मिलती, एलिफेटिक अमीन्स में देखने को मिलती नहीं मिलती, तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। सिंपल वाटर डाला, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो रिमूव हो गया। एक आप अपने दिमाग में एक चीज और बिठा लो कि ये ग्रुप जो है ना बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। कौन से वाला जो ग्रुप है बेटा जी, ये मैं बता रहा हूँ जिसको भी मैं ये येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बड़ा तगड़ा लीविंग ग्रुप है, बड़े आराम से जो है वो लीव कर जाता है बहुत ईजिली। तो यहाँ पे सिंपल वाटर डाल के शेक किया मैंने, तो इस जगह पे जो है वो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रोजन अलग से जो है वो निकल गई। हाँ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह की रिएक्शन जो है वो क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन से हम लोग एक एमिनो एसिड या प्रोटीन के बारे में देखते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी में बायोकेमिकल्स है उसके अंदर भी इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो रहते हैं, तो कितने नाइट्रोजन बाहर निकल रहे हैं उससे हम लोग एस्टिमेट लगा लेते हैं कि स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो कैसा होगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी कि प्राइमरी और सेकेंडरी चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इस तरह की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि मान लो ये रिएक्शन जो है वो ऐसे दे रखी है, आपके पास N दे रखा है, CH3 दे रखा है और यहाँ पे H दे रखा है,
और यहाँ पे मैं NaNO2 डाल रहा हूँ या HCl डाल रहा हूँ, आप जो है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो इस जगह पे बेंजीन का डायजोनियम सॉल्ट जो है अपने को नहीं फॉर्म करना। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जरूर लाइक करो इसको, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा।